दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से डीआरडीओ और एचएएल के साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं। पर ऐसे हथियार को अभी तक एचएएल और डीआरडीओ भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, अगर आज के समय में भारत में कोई भी हथियार बनाया जाता है तो उसमें एचएएल और डीआरडीओ का नाम टॉप पर आता है, लेकिन इस समय में नई नई प्राइवेट कंपनियां आगे आ रही हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा रही हैं। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने कैट्स विंगमैन ड्रोन जैसा ही हूबहू ड्रोन को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन ये ड्रोन कैट्स वॉरियर ड्रोन से दुगने से भी ज्यादा पावरफुल होगा। आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हो कि भारत का कैट्स विंगमैन 2024 तक अपनी पहली उड़ान भर सकेगा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी की तरफ से ये ड्रोन बनाया गया है, ये आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर अंदर अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा। और इस घातक ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम काइनेटिक इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, और इस कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर इस कारनामे को कर दिखाया है। दोस्तों, इस बात को सुनकर आप भी शोक हो जाएंगे कि ब्रिटिश कंपनी और भारत की कंपनी ने 2021 में ही इस ड्रोन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और मात्र 1.5 साल में दोनों कंपनियों ने इस ड्रोन को लगभग पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और इस खबर के आते ही एचएएल और डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी हैरान हैं, क्योंकि जो एचएएल की तरफ से कैट्स विंगमैन ड्रोन बनाया जा रहा है वो अपने साथ में 1300 किलोग्राम तक के हथियारों को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी ने विंगमैन ड्रोन बनाया है ये अपने साथ में 3000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। और इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी वाला ड्रोन एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन से दुगने से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि ये ड्रोन एक बार फ्यूल भरने के बाद 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा, और इस स्पेशल ड्रोन की स्पीड 0.85 मैक होने वाली है, और ये ड्रोन 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। और इस ड्रोन को आने वाले समय में रिमोट की मदद से और फाइटर जेट की मदद से ऑपरेट किया जा सकेगा, और ये एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, यानी कि दुश्मन देश की रडार का इस ड्रोन को पकड़ पाना लगभग असंभव होगा। और यही ड्रोन आने वाले समय में जो कैट्स प्रोग्राम की मदरशिप होगी, ये ड्रोन उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। और इस बात से अब ये तो पता चल ही चुका है कि भारत में प्राइवेट कंपनियों को आने वाले समय में अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो हमारी कंपनी भी सेम टू सेम लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी बन जाएंगी। बस केवल यहाँ पर हमारी सरकार को इन कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों, इस ड्रोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।